जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल होम प्लान्स इंडिया में। मैं मोहन पोखरियाल आपका होस्ट एंड दोस्त आज आपकी डिमांड पे लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। और इस पे मैं आपको बताने वाला हूं 12 रीज़न क्यों आपको IFBK का डिशवॉशर परचेज करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे लोगों से कहा था कि मैं आपको 12 वजह बताऊंगा क्यों आपको IFBK का डिशवॉशर लेना चाहिए। तो सबसे पहली वजह है दोस्तों, इसमें IFBK के डिशवॉशर में आपको मिलता है 800 PPM का रेजिंग चैम्बर। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, 800 PPM। इंडियन मार्केट में अभी जितने भी डिशवॉशर अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर 400 PPM का रेजिंग चैम्बर दे रहे हैं। रेजिंग चैम्बर का काम होता है पानी में मौजूद गंदगी को साफ करना, और इससे आपके डिशवॉशर की लाइफ भी इंक्रीज होती है। अगर देखो रेजिंग चैम्बर जितना ज़्यादा पानी को फिल्टर करेगा उतना ही ज़्यादा आपको वॉश क्वालिटी भी बेटर मिलेगी और डिशवॉशर की लाइफ भी बरकरार रहेगी। तो IFBK देता है सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का रेजिंग चैम्बर जिसकी परफॉर्मेंस भी है 800 PPM तक। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी दूसरी वजह की क्यों आपको IFBK का डिशवॉशर लेना चाहिए। तो दोस्तों IFBK देता है अपने डिशवॉशर में एडजस्टेबल बास्केट जो कि कंपटीशन में दूसरे ब्रांड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप नीचे बड़े बर्तन रखते हैं तो आप आराम से बास्केट को ऊपर कर सकते हैं, अगर आप ऊपर बड़े बर्तन रख रहे हैं तो आराम से आप बास्केट को नीचे कर सकते हैं। ये वाली फैसिलिटी आपको दूसरे कंपटीशन ब्रांड में नहीं मिलती। बात करते हैं अपने तीसरी वजह की क्यों आपको IFBK का डिशवॉशर लेना चाहिए। तो दोस्तों IFBK अपने डिशवॉशर में देता है स्टेनलेस स्टील कैविटी जो कि है 304 कोरियन, और ये प्योर स्टील कहलाता है। इसकी वजह से IFBK के जो डिशवॉशर की उसकी क्वालिटी अलग ही लेवल की हो जाती है। तो बात करते हैं अपने चौथी वजह की, चौथे रीज़न की क्यों आपको IFBK का डिशवॉशर लेना चाहिए। तो दोस्तों IFBK अपने डिशवॉशर में देता है 2 ईयर की कंप्लीट वारंटी, और इसके अलावा 8 ईयर स्पेयर पार्ट सपोर्ट जो कि कंपटीशन में इतना बड़ा सपोर्ट कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा है। और IFBK वो इकलौता ब्रांड है जो कि इतनी बड़ी वारंटी आपको दे रहा है डिशवॉशर में। दोस्तों बात करते हैं अपनी पाँचवीं वजह की क्यों आपको IFBK का डिशवॉशर लेना चाहिए। तो इंडियन मार्केट में IFBK ही वो डिशवॉशर है जो आपको मिलता है A++ ग्रेड का। A++ ग्रेड होने का मतलब है कि ये डिशवॉशर बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इसके अलावा ये डिशवॉशर आपका वाटर कंजप्शन भी बहुत कम करेगा। कंपटीशन में ज़्यादातर ब्रांड जो डिशवॉशर दे रहे हैं या तो वो बताते ही नहीं है कि कौन से ग्रेड का उनका डिशवॉशर है, और कहीं पे भी मेंशन नहीं होता वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा या कितना वो वाटर कंज्यूम करेगा। जबकि IFBK में आपको बाहर फेसिया में स्टिकर लगा हुआ मिल जाएगा जिस पे पूरा डिटेल दी हुई होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने छठे रीज़न की क्यों आपको IFBK का डिशवॉशर लेना चाहिए। तो IFBK देता है डिशवॉशर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वॉश केयर प्रोग्राम। IFBK के डिशवॉशर में मिलेंगे आपको 8 वॉश केयर प्रोग्राम, कॉम्पिटिशन में या तो 5 या तो सिर्फ 6 वॉश केयर प्रोग्राम मिलते हैं, जबकि IFBK देता है सबसे ज़्यादा प्रोग्राम। चलिए दोस्तों बात करते हैं सातवीं वजह की क्यों आपको IFBK का डिशवॉशर परचेज करना चाहिए। IFBK के डिशवॉशर में मिलेगा आपको टर्बिडिटी सेंसर। टर्बिडिटी सेंसर वो सेंसर है दोस्तों जो कि आपके बर्तनों में कितनी गंदगी है इसको चेक करता है। उसके हिसाब से IFBK का डिशवॉशर खुद ब खुद डिसाइड करता है टाइमिंग को या तो घटा देने की या फिर टाइमिंग को बढ़ा देने की। कंपटीशन में किसी भी ब्रांड में आपको ये सेंसर नहीं मिलता। दैट मींस कि IFBK जो डिशवॉशर दे रहा है वो इंटेलिजेंट डिशवॉशर है जो कि आपके बर्तनों की गंदगी के हिसाब से डिसीजन लेता है कि टाइम को घटाए या फिर बढ़ाए। बात करें आठवीं वजह की दोस्तों, तो IFBK वो ब्रांड है जिसने इंडिया के अंदर सबसे पहले डिशवॉशर लॉन्च किया था। इस वजह से IFBK के पास बहुत बड़ा सर्विस बैकअप है डिशवॉशर की सर्विस करने के लिए। कंपटीशन ने अभी रिसेंटली अपने डिशवॉशर इंडियन मार्केट में दिए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जबकि IFBK ने 1997 में ही इंडियन मार्केट के अंदर डिशवॉशर लॉन्च कर दिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सर्विस बैकअप होगा IFBK के पास, क्योंकि इतने समय से IFBK डिशवॉशर इंडियन मार्केट में दे रहा है तो उसी हिसाब से IFBK ने अपना सर्विस बैकअप भी इसके लिए रखा है। बात करते हैं दोस्तों नाइन्थ रीज़न की क्यों आपको IFBK का डिशवॉशर लेना चाहिए। तो दोस्तों IFBK ना सिर्फ डिशवॉशर देता है बल्कि उसके साथ उसके प्रोवाइड कराता है एसेंशियल। देखिए आप किसी भी ब्रांड का मार्केट में डिशवॉशर ले लीजिए, बट आपको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि डिशवॉशर का डिटर्जेंट कहाँ मिलेगा, डिशवॉशर का रिंजेट कहाँ मिलेगा, डिशवॉशर का सॉल्ट कहाँ मिलेगा या डिशवॉशर की टैबलेट कहाँ मिलेगी। बट IFBK के साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी क्योंकि IFBK ना सिर्फ डिशवॉशर देता है साथ में देता है उसके एसेंशियल भी, और आप किसी भी IFBK स्टोर से या IFBK अप्लायंसेज से आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने दसवीं वजह की, दसवें रीजन की, क्यों आपको IFB का डिशवॉशर लेना चाहिए। तो IFB ना सिर्फ डिशवॉशर देता है बल्कि इंडिया के अंदर सबसे बिगेस्ट कैपेसिटी का डिशवॉशर भी IFB ही प्रोवाइड कराता है। इंडियन मार्केट में 15 प्लेस सेटिंग का डिशवॉशर सिर्फ और सिर्फ IFB ब्रांड के पास है। दैट मीन्स कि आप ह्यूज क्वांटिटी में बर्तन वॉश कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन में या तो 12 प्लेस सेटिंग का डिशवॉशर मिलता है या मैक्सिमम 14 प्लेस सेटिंग का, जबकि IFB में मिलेगा आपको 15 प्लेस सेटिंग का डिशवॉशर जिसमें आप 120 यूटिलिटीज एक बारी में वॉश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने 11th रीजन की, यानी 11वीं वजह की, क्यों आपको IFB का डिशवॉशर लेना चाहिए। तो IFB का डिशवॉशर दोस्तों बहुत ही कम नॉइज करता है, लगभग 48 dB के आसपास। इंडियन मार्केट में जितनी भी डिशवॉशर अवेलेबल हैं अभी, या तो 52 dB के आसपास नॉइज करते हैं या 54 dB के आसपास। IFB का डिशवॉशर सिर्फ 48 dB नॉइज करता है, जो कि बहुत ही कम नॉइज है। दोस्तों बात करते हैं अपनी 12वें रीजन की, यानी 12th रीजन की, क्यों आपको IFB का डिशवॉशर लेना चाहिए। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीजन है और ये होना भी चाहिए। इंडियन मार्केट में IFB ही वो ब्रांड है जिसने डिशवॉशर दिया है, और IFB इंडिया का अपना ब्रांड है दोस्तों। तो अगर आप मान लीजिए आप किसी फॉरेन ब्रांड या ऐसी कंपनी का डिशवॉशर लेते हैं जो कि फॉरेन की है, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्री पे। दैट मीन्स कि आपका पैसा उठ के इंडिया से बाहर जा रहा है। बट अगर आप अपना इंडियन ब्रांड ले रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका पैसा इंडिया में ही रहेगा, इंडिया की ग्रोथ में लगेगा। अब ये फैसला आप लोगों को लेना है दोस्तों, अपना इंडियन ब्रांड लेना चाहते हैं जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बना हुआ है, या एक फॉरेन ब्रांड जो कि फॉरेन कंट्री के हिसाब से बना हुआ है, ये आपके हाथ में दोस्तों।